हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपके साथ अपने गार्डन के कुछ फ्लावर्स और प्लांट्स शेयर कर रही हूँ कि अभी कौन कौन से फ्लावर मेरे यहाँ खिल रहे हैं। तो ये देखिए, कॉस्मस की जो मैंने सीडलिंग की थी उनमें कलियाँ आनी स्टार्ट हो गई हैं, ये देखिए। और इधर जीनिया में भी सभी प्लांट में कलियाँ मेरे आने लगी हैं। ये देखिए, एकदम छोटे से प्लांट है इसमें भी कलियाँ आ गई है। और ये इधर सनफ्लावर के, और ये मेरा एक पिटूनिया कटिंग से लगा हुआ, और इसमें भी कलियाँ आ गई है, देखिए। तो सारे प्लांट्स मेरे कलियाँ आनी स्टार्ट हो गई हैं। और इधर ये जीनिया, तो ये मेरी जो सीडलिंग थी सारी, जिनको मैंने सबको रिपोर्ट कर दिया था, तो ये वही है। और उसके बाद चलते हैं अपने जो हमारा गार्डन है। तो ये देखिए, ये सनफ्लावर का प्लांट है जिसमें बहुत ही अच्छे से इसमें कलियाँ आनी स्टार्ट हुई हैं, और बहुत सारी, देखिए नीचे से कितना ज़्यादा हेल्दी है प्लांट मेरा, और काफ़ी सारी इसमें ब्रांच भी निकल रही हैं। और इधर ये क्रिसेंथमम है, इधर ग्लाडियर के काफ़ी सारे प्लांट्स लगे हुए हैं जिनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और इधर ये सारे क्रिसेंथमम, ये मैरीगोल्ड, और ये कुछ टोमेटो भी लगे हैं मेरे गार्डन में, देखिए कितने बड़े बड़े से हैं। और मैंने दो तीन इसमें से तोड़ भी लिए हैं, बहुत सारे इसमें, दो तीन क्या कई सारे तोड़ लिए हैं। जब कभी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं इसी में से तोड़ लेती हूँ, अगर नहीं रहता मेरे पास तो। ये देखिए क्रिसेंथमम, इनके भी फ्लावर सब अब कट करने के लायक हो गए हैं। और इधर ये देखिए डहेलिया काफ़ी अच्छे ब्लूम्स पर हैं इस टाइम पे, और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे, तो बहुत सुंदर इनकी फ्लावरिंग हो रही है डहेलिया की, ये देखिए बहुत ज़्यादा अच्छे। और काफ़ी सारे फ्लावर भी आ रहे हैं, बहुत सारी कलियाँ आ रही हैं, सभी ब्रांच पे कलियाँ इनमें आ रही हैं। और ये देखिए इतने सारे फ्लावर आ रहे हैं, एक फ्लावर सूख गया है बिल्कुल से, तो मैं उसको सोच रही थी कि शायद इसमें सीड बने तो मैं इसको छोड़ दूँ, इसलिए मैंने इसको कट नहीं किया है। और इधर ये फ्लॉक्स के हैं, फ्लॉक्स के बहुत ही काफ़ी दिनों से इनमें भी फ्लावरिंग हो रही है, प्लांट बहुत एकदम छोटे छोटे से प्लांट थे फिर भी इनमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी हुई है। और ये देखिए स्ट्रॉबेरी मेरे जो रनर्स से लगे हुए प्लांट है ये, और बहुत सारे स्ट्रॉबेरी इनमें भी बन गए हैं, ये देखिए। ये मेरे लिए फ्री के प्लांट है, और इनमें अगर दो चार स्ट्रॉबेरी भी लग जाते हैं तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो ये देखिए, इसमें देखिए ये सब रेड कलर के हो रहे हैं, और सब ये मैंने रनर से लगाए थे अपने, जो मैं प्लांट लेकर आई थी, मैंने आप लोग के साथ शेयर भी किया था। ये देखिए वर्बीना बहुत ही खूबसूरत है, और इतना ज़्यादा देखिए, अभी बारिश के काफ़ी सारे फ्लावर ख़राब हो गए थे, लेकिन अब देखिए इसमें कितना पूरा, ये इतना जल्दी यानी पूरा फिर से इसने भर लिया पूरे प्लांट को। तो इन फ्लावर को थोड़ा मैं कट करके हटा दूँगी एक दो दिन में, क्योंकि ये सूख भी रहे हैं। और इधर देखिए ग्लाडिया का, मेरे पास एक दूसरा कलर भी है, इसका थोड़े पेटल्स भी दूसरे तरह के हैं। और ये इधर पिटूनिया के काफ़ी सुंदर से कलर है, ये बहुत ही प्यारे से कलर है, और देखिए कितनी सुंदर इनमें यानी फ्लावरिंग अब हो रही है। ये मैंने सबसे लास्ट में इन प्लांट को लाकर लगाया था, दो प्लांट बेबी प्लांट, तो ये अब अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। बाकी की तो ब्रांच थोड़ी लंबी लंबी सी हो गई हैं बाकी प्लांट की। ये देखिए पेंटास ये रेड कलर का बहुत ही खूबसूरत होता है, और इसमें बहुत सारे कलर मिल जाते हैं आपको, हाइब्रिड वैरायटी के आने लगे हैं अब तो प्लांट, तो इसमें बहुत सारे कलर आपको मिल जाएंगे, और आप इसको ज़रूर अपने गार्डन में लगाइए। ये पूरा पेरेनियल प्लांट है जो कि सालों साल आपके गार्डन में चलता रहेगा। इधर देखिए गजानिया के फ्लावर अब पूरे खिले हुए नहीं हैं ठीक से। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत से कलर हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल कभी सुबह कभी शाम को तो हमेशा बंद ही रहते हैं। और ये देखिए डेंथस के बहुत सुंदर से कलर हैं। इधर ये पिटूनिया पर्पल बहुत प्यारा सा है ये भी। तो पिटूनिया के मेरे पास बहुत सारे प्लांट थे, लास्ट ईयर मैंने क्रिसेंथियम ज़्यादा लगाए थे, इस साल मैंने पिटूनिया ज़्यादा लगाया, क्योंकि पिटूनिया के प्लांट लगभग मार्च अप्रैल तक आराम से चल जाते हैं, और क्रिसेंथियम तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो लास्ट ईयर मेरे पास 45 प्लांट थे क्रिसेंथियम के, तो मैंने इस बार कम लगाए थे उनको। जब वो ख़त्म हुआ था तो मेरा गार्डन बिल्कुल खाली सा हो गया था, इस वजह से मैंने इस बार उनको कम लगाया था। ये देखिए फिर भी काफ़ी लगे हुए थे, 10-12-15 प्लांट फिर भी लगे हुए थे। तो इधर ये देखिए टिकोमा की बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, और ये पूरा पेरेनियल प्लांट है ये भी। और ये समर और रेनी सीजन में इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं कि पूरा बन के पूरे यानी प्लांट फूलों से भरा रहता है एकदम से, बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें कलर भी बहुत कई सारे आते हैं, पिंक वाइट येलो इस तरह के, तो आप इसको भी अभी अपने गार्डन में ला के लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। और इन्हीं की कटिंग से मैंने देखिए कई प्लांट मैंने तैयार कर लिए हैं। ये देखिए ये मेरे सारी कटिंग से लगे हुए प्लांट हैं जिनमें समय फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ से पूरा मेरा गार्डन ऐसे दिखता है,
ये देखिए पूरा फूलों से भरा हुआ है, ऐसा लगता है कोई बागान है फूलों का, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लगता है। और एक क्रिसेंथेमम मेरा भी सबसे लास्ट में खिलना स्टार्ट हुआ है, तो इसमें देखिए बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, अभी नए नए फ्लावर इनमें आ रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए बहुत प्यारा सा कलर है इसका। तो इस तरह से ये सारे इधर पिटूनिया, क्या देखिए मैंने कुछ सीडलिंग भी की है। ये देखिए ये मैंने कोचिया की सीडलिंग की है, जो कि बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं इसके प्लांट्स, दो दो चार चार पत्तियाँ इनमें भी आ गई हैं। और ये देखिए छोटे छोटे से प्लांट, बेबी प्लांट हैं। तो मैं इस पर भी वीडियो बनाने वाली हूँ, तो मुझे अपडेट के साथ बनाना था, इसलिए मैंने इनको बनाते समय आप लोग के साथ शेयर नहीं किया था। और इधर देखिए जीनिया के, ये मेरे ऑरेंज कलर के जीनिया हैं, जो मेरे ऊपर सारे लगे हैं थर्ड फ्लोर पर, वो मेरे पिंक कलर के जीनिया हैं। और ये सारे मेरे एडेनियम के प्लांट हैं। ये देखिए पूरा मेरा 100% जितने सीड मैंने डाले थे सभी जर्मिनेट हो गए हैं, और इनकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कितने अच्छे हेल्दी प्लांट निकल रहे हैं। ये लगभग 6 या 7 दिन की अपडेट है, 7 दिन के प्लांट हैं ये। तो इस बार मेरे पास बहुत सारे सीड कलेक्ट किए थे मैंने अपने एडेनियम के प्लांट से, तो मैंने उन्हीं को ग्रो किया है। और ये देखिए बिल्कुल निकल गए हैं, और कितने हेल्दी प्लांट निकल रहे हैं ये देखिए। तो ये जब 2-4 दिन के बाद और अच्छे से निकल जाएंगे, तो मैं इसका वीडियो मैंने बनाया है, तो वो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इधर सारे मेरे ये प्लांट, यहाँ जो मेरा स्ट्रॉबेरी है ये देखिए, ये ऐसे पूरा मेरा हाथ मेरा पूरा भरा हुआ है फलों से, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये अपने घर के। देखिए पूरे रेड कलर के हो गए हैं सारे। और मेरा छोटा बाबू जो है वो 1-2 रोज तोड़ता रहता है इनमें से। और इधर भी लगे हैं और सारे, ये देखिए इधर पीछे साइड भी हैं, काफ़ी सारे सारे रेड हो गए हैं, और नए नए कुछ निकल भी रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पर भी ये दो, ये एक पिटूनिया काफ़ी खूबसूरत सा कलर है, और ये पेंजी, ये इम्पेशन। इम्पेशन जब से बारिश हुई थी तब से इसके फ्लावर अभी ज़्यादा नहीं खिल पा रहे हैं, और फिर से कलियाँ इसमें बननी स्टार्ट हुई हैं, नहीं तो एक समय पूरा फूलों से भरा हुआ था बिल्कुल। ये बिगोनिया मेरा हर समय फूलों से भरा रहता है, बहुत ही अच्छा। तो ये सारे फूल हैं। इधर ग्लाडिया, एक क्रिसेंथेमम मेरा अभी भी यानी इसमें कलियाँ आ रही हैं, और ये अभी कुछ में कुछ फ्लावरिंग हो गई, कुछ अभी बची हुई है। एक एस्टर फिर से खिलने वाला है, ये देखिए नया कलर। और इधर देखिए जेरेनियम के बहुत खूबसूरत से कलर हैं, बहुत प्यारे से कलर हैं, ये रेड कलर और ये पिंक कलर, दोनों ही कलर बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। तो ये मेरा साल्विया, इसको मैंने जितने बार कट कर देती हूँ तो हर बार इसमें फिर से नई ग्रोथ होती है, और नए नए फ्लावर फिर से आ जाते हैं। काफ़ी दिनों से ये भी फ्लावरिंग पर है, ये पेपर फ्लावर। और ये पिटूनिया मेरा लगभग नवंबर से इसमें फ्लावरिंग हो रही है और लगातार होती जा रही है, बहुत ही ज़्यादा इसने फूल दिए मुझे। और ये पेंटास, सॉरी डेंथस, बहुत ही खूबसूरत कलर है, देखिए कितने ज़्यादा पूरे फूलों से भरा हुआ है एकदम से। ये डेजी, इसका फ्लावर एक ही फ्लावर अभी तक इसमें आया था, और ये भी आज मैंने इसको हटा दिया है, ये पूरा मैं इसकी ब्रांच को ही कट कर दूंगी क्योंकि इसमें सीड भी नहीं बन रहे हैं। एक इम्पेशन मेरा ये है, इसने पूरा विंटर ख़त्म कर दिया अपनी ग्रोथ लगाने में, क्योंकि मैं बेबी प्लांट लेकर आई थी इसका, और अब जाके इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। तो हो सकता है ये अभी फरवरी के मंथ में फ्लावरिंग करे। और इधर डहेलिया, डहेलिया बहुत ही खूबसूरत है, ये देखिए बहुत ज़्यादा सुंदर है। और एक नया कलर आया है मेरे गार्डन में इस बार, ये देखिए रेड कलर का डहेलिया, बहुत ही, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसमें देखिए कितनी सारी कलियाँ आई हुई हैं एकदम, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है इसका कलर, ये देखिए बहुत प्यारा सा, और प्लांट भी अच्छा हेल्दी है। इधर ये कैलेंडुला है, इनमें कुछ में सीड बन रहे हैं तो मैंने इनको छोड़ दिया है, ये विन का। और ये एनुअल क्रिसेंथेमम, जो कि बहुत ही अच्छे, देखिए कितनी सारी कलियाँ आई हैं और फ्लावर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है इनके भी। तो ये थे मेरे गार्डन के कुछ फ्लावर्स जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किए। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कमेंट भी करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।